सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। यूपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दौर में ही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भले ही अभियान चालू कर दिया गया हो, लेकिन कन्नौज जिले में अधिकारी लगातार सरकार की साख पर बट्टा लगा रहे हैं और गरीबों को दिए जाने वाली सरकार की सबसे महत्वपूर्ण फ्री राशन योजना पर जमकर भ्रष्टाचार कर गरीबों के राशन को लूट रहे हैं। ऐसा ही ताजा मामला कन्नौज जिले के सदर थाना क्षेत्र के सकरी खुर्द गाँव में सामने आया है। यहाँ पर पीड़ित व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने ग्राम सचिव विनीत कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि फर्जी तरीके से अपात्रों के राशन कार्ड बनवाने का आरोप लगाया है और सबूत के साथ पूरी लिस्ट भी जारी की है, जिसमें जिनके पास सरकारी नौकरियां हैं, चार पहिया वाहन है, ट्रैक्टर ट्यूबवेल है व कई बीघा जमीन है, उनके राशन कार्ड बना दिए गए और जो गरीब पात्र हैं उनके राशन कार्ड अब तक नहीं बन पाए। मामला सदर थाना क्षेत्र के सकरी खुर्द गांव का है। यहां पर ग्रामीणों व सकरी को ग्राम प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कटियार ने सबूतों के साथ अपने गांव पंचायत अधिकारी विनीत कुमार पर गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना फ्री राशन योजना में जमकर भ्रष्टाचार का खेल का भी उजागर हुआ है। सकरी खुर्द ग्राम प्रधान प्रतिनिधि निर्मल कटियार ने बताया कि जैसे ही नव नियुक्त ग्राम सचिव विनय कुमार ने ग्राम पंचायत का कार्यभार संभाला, उन्होंने जमकर फ्री राशन योजना में भ्रष्टाचार किया। जिनके पास सरकारी नौकरियां हैं, सुविधाएं हैं, कार है, जमीन जायदाद सब कुछ है, उनका कार्ड बनवाया गया और अपात्रों को जमकर फ्री राशन योजना का लाभ चंद पैसों की लालच में दे दिया गया। वहीं पात्रों को अब तक इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है। उनके द्वारा पूर्व में इनके राशन कार्ड भी बनाए गए थे जो काट दिए गए, लेकिन जैसे ही ग्राम पंचायत अधिकारी बदले, उन्होंने पैसे की लालच में उनको फिर अपात्रों को पात्र बना दिया। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत अधिकारी विनीत कुमार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत अधिकारी राशन कार्ड बनाने के नाम पर पैसों की मांग करते हैं, मांग पूरी ना होने पर कार्ड नहीं बनाते हैं। जिनके पास सरकारी नौकरी जायदाद बंगला कार है, बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, उन लोगों का राशन कार्ड बने हुए हैं, लेकिन गरीबों के राशन कार्ड अभी तक नहीं बने हुए हैं। क्या नाम है माता जी आपका? सुशीला देवी। कौन सा गांव है ये? सकरी खुर्द। क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत हमको ये है कि हमारा लड़का भी विकलांग है, दो बार एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए कुछ सुविधाएं नहीं मिल रही है, ना कॉलोनी मिल रही है, ना राशन मिल रहा। हमारा तो राशन बिल्कुल काट दिया गया, कहे सुने उस बच्चे को तो मिलने लगा और कोई सुविधाएं नहीं मिलती। और जिनके पास खेती है, ट्रैक्टर है, कारोबार अच्छा है, उन लोगों को मतलब वेतन मिल रहा है और वेतन के अलावा राशन भी मिल रहा है, हर सुविधाएं मिल रही है, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा है। कितने लोग गाँव में ऐसे होंगे जिनके पास? काफी लोग हैं गाँव में। अच्छा। हाँ, जिनके पास सरकारी नौकरी है, मतलब खेती भी 50 बीघा है, 60 बीघा, 25-25, 30-30 बीघा है, और उन लोगों को मिल रहा है, राशन मिल रहा है। हाँ, अच्छा, सरकार तो कहती है हम गरीबों के लिए भेज रहे हैं, लेकिन सरकार गरीबों को भेज रही है, गरीबों को मिल कहाँ रहा, गरीबों तक पहुँच नहीं पा रहा है। हमारे यहाँ ये है कि क्या, जैसे राशन व्यवस्था है जो सरकार चला रही है, बहुत ध्यान दे रही है। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, विकलांग हैं, मतलब बेघर, मतलब उनके पास खाने के लिए इतना नहीं है कि वो रोज कमाते रोज खाते हैं। उन लोगों के कार्ड आज तक सचिव से मैंने 20 बार कहा कि इन लोगों को कार्ड बना। कौन सी योजना के? यही राशन कार्ड पातग्रस्ती, मैंने इनसे कहा, तो इनके पास जाओ आज कर देंगे, कल कर देंगे, ये नहीं वो नहीं फलाना नहीं। बड़े लोग जाते हैं हमारे यहाँ, कम से कम 20-25 लोग ऐसे हैं जिनके पास ट्रैक्टर है, नौकरियां हैं, दो दो बेटी नौकरी कर रही हैं सरकारी पुलिस में, जिनके पास का के पिताजी दरोगा हैं, ट्रैक्टर है, ट्यूबवेल है, खेती है, मकान है, सब कुछ है, लाइसेंस है, बंदूक है। उन लोगों को सिगरेटरी जो है गलत तरीके से, बिना हमसे पूछे, बिना राय के, बिना गांव के सर्वे किए हुए, और जबरदस्ती अपने तरीके से पैसा लेके का किया था वो कार्ड बना देता है। हमको जानकारी नहीं हो पाती है, जब जानकारी होती, जब हम लिस्ट देखते तब मुझे जानकारी होती, तो हम इनसे कहते हैं, तब वो हमसे बट्टाराबेरी करते हैं, आज कर देंगे कल कर देंगे। मैं सूची लेकर कम से कम 22 कार्ड मेरे पास रखे हैं, 22 कार्डों पर आज तक इसने रिपोर्ट नहीं लगाई। और अन तरीके से आदमी जाता है, जो पैसा दे देता है, 1000-2000 रुपये धीरे से उसकी रिपोर्ट लगा देता है, उसके कार्ड बन जाते हैं। इससे अब वही है, सभी पात्र लोगों को ही दिए गए हैं और आय प्रमाण पत्र के आधार पर राशन कार्ड है, और ऐसा संज्ञान में आया है, कुछ लोग बताते हैं ट्रैक्टर है, तो आवेदक है उसका कहना है ये, तो मेरे नाम तो है नहीं,
उसके चाचा के परिवार में किसी का नाम है। अच्छा, एक इसमें है, एक शिक्षा मित्र महिला है, वो शिक्षा मित्र है, उसके पति के नाम पे ट्यूबवेल भी है, तो पति पत्नी क्या दो अलग अलग पहलू हो जाते हैं क्या, इनको कार्ड रिलीज किया जा सकता है इस तरह का? शिक्षा मित्र का राशन कार्ड तो बनाया अभी वर्तमान समय में बनाया। अच्छा, एक और आरोप लगा है वहाँ पर कि एक परिवार ऐसा भी है जहाँ पर जिनकी दो बेटियाँ हैं, दोनों सरकारी सर्विस में हैं, और उसके बावजूद उनका कार्ड वहाँ पर बना दिया गया, जिसमें से एक बताया जा रहा है एक अनमेरिड या शायद दोनों अनमेरिड है। ऐसा मेरे संज्ञान में आपके द्वारा ही बनाया गया। अच्छा, एक महिला वहाँ पर काफ़ी दिखी जो आंखों से दिव्यांग थी, पैर से दिव्यांग थी, वो कई बार आपके पास शिकायत लेके आई, लेकिन उसने भी एक आरोप लगाया और एक गंभीर आरोप लगाया कि कुछ पैसे की डिमांड करी जाती है। नहीं, महिला आई नहीं मेरे पास कोई इस तरह की, कुछ नहीं है। अच्छा, लमसम 20 से 25 कार्ड बताए जा रहे हैं कि करीब इसी बीच में एक महीने के अंतराल में आपके द्वारा बना दिए गए हैं, जो अपात्र थे पूरी तरह से, जिनके पूर्व की जो जिनके पास प्रधानी रही है, सूची रही है, उन्होंने कार्ड दिए थे और आपने उसको पात्र कर दिया। नहीं नहीं, पिछले दो महीने से आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, कोई भी राशन कार्ड इस बीच में बने ही नहीं है पिछले दो महीने से अभी तक। जब से खुद में कुछ लोगों के राशन कार्ड गलत बनाए जाने की शिकायत हमें प्राप्त हुई है और उसकी हम टीम बना करके जाँच करा रहे हैं। जाँच कराने के बाद जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी और जो अपात्र पाए जाएंगे उनका निरस्त भी किया जाएगा और उनकी जगह पर जो पात्र लोग हैं गाँव के उनके कार्ड बनाएंगे। सर, ये योजना काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, थोड़ी सी लापरवाही जो पात्र होते हैं उनको नहीं मिल पाती है, जो पात्र होते हैं उनको मिल जाती है। सर, एक मैसेज जाना चाहिए इस तरह की, अगर मामला सामने आता है तो कोई मजबूत कार्रवाई हो। नहीं, देखिए, इस योजना में काफ़ी परिवर्तन हुआ है और अब जो है इतने पैरामीटर्स इसके हो गए हैं कि ज़्यादातर सबको मिल रहा है और राशन वितरण के संबंध में पहले जैसी अभी स्थिति नहीं है, काफ़ी सुधार हो गया है, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई इस तरह की शिकायत है तो उसको हम लोग जांच करा के गंभीरता से